ज्यादातर लोग ट्रेन में यात्रा करना पसंद करते हैं। कहीं भी आने जाने के लिए ट्रेन आरामदायक और सस्ता परिवहन है। कई रूटों पर ट्रेन से यात्रा के दौरान लोगों को रोमांच का एहसास भी होता है। ट्रेन से पहाड़, जंगल और नदियों समेत कई प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिलती है। प्राकृतिक सुंदरता के साथ ही कई ऐसे रेल रूट हैं जिन पर यात्रा के दौरान डर भी लगता है। आज हम आपको ऐसे ही कुछ रूटों के बारे में बताते हैं। जापान का एसो मियामी मार्ग जापान में अलास्का से व्हाइट हाउस, युकोन बंदरगाह को जोड़ने वाला व्हाइट पास और युकोन रेल मार्ग रोमांच से भरा हुआ है। इस रेल मार्ग में आपको प्रकृति की सुंदरता देखने को मिलती है। इस रूट पर ट्रेन 3000 फुट की चढ़ाई करती है जो काफी डरावना होता है, इसलिए ये रूट खतरनाक माना जाता है। अर्जेंटीना का सल्टा पोल्वेरिलो रूट अर्जेंटीना में एक रेल मार्ग बेहद खतरनाक है। ये रेलवे रूट साल्टा को चिली पोल्वेरिलो से जोड़ता है और इसकी लंबाई 217 किलोमीटर है। ये जितना खतरनाक है उतना ही रोमांच से भी भरा है। इसका निर्माण 27 सालों में हुआ था और 1948 से इस रेल मार्ग पर ट्रेनों का आवागमन हो रहा है। इस रेल मार्ग में 29 पुल और 21 टनल हैं। इक्वाडोर का डेविल्स नोज ये रेल रूट समुद्र तल से 9000 फीट की ऊंचाई पर है। इस रेल मार्ग का निर्माण करीब 33 साल में पूरा हुआ था। यह 1872 में बनना शुरू हुआ और 1905 में बनकर तैयार हो पाया। पहाड़ की वजह से होने वाली समस्याओं को दूर के लिए सरकार ने इसका निर्माण कराया था। ये दक्षिण अमेरिका में इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना है। भारत में चेन्नई रामेश्वरम मार्ग भारत में चेन्नई और रामेश्वरम को जोड़ने वाला रेल मार्ग दुनिया के सबसे खतरनाक और एडवेंचरस रेलवे रूट में से एक है। इस रूट को पवन ब्रिज के नाम से जाना जाता है। हिंद महासागर के ऊपर बने पवन ब्रिज की लंबाई 2.3 किलोमीटर है। साल 1914 में इस ब्रिज का निर्माण हुआ था। जब समुद्र का जल स्तर बढ़ता है तो ये रूट खतरनाक हो जाता है।